हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के अलावा दुनिया के कई इलाकों में स्वस्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। कोई भी मंगल कार्य शुभारंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ही मंगल कार्य का शुभारंभ किया जाता है। लेकिन यह स्वस्तिक का चिन्ह मंगलकारी क्यों है? यह चिन्ह असल में क्या दर्शाता है? इस स्वस्तिक चिन्ह का आकार कहां से लिया गया है? आज की इस प्रस्तुति में स्वस्तिक के बारे में ऐसी आश्चर्यजनक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और हर एक सनातन धर्मी को स्वस्तिक के बारे में यह जानकारी होनी ही चाहिए। तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। स्वस्तिक का अर्थ स्वस्तिक को सु एवं अस्ति का मिश्रण योग माना जाता है। यहाँ सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ होता है होना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सु एवं अस्ति को जब संयुक्त किया जाता है तो जो नया शब्द बनता है वो है स्वस्ति, अर्थात शुभ हो, कल्याण हो, और स्वस्तिक का मतलब होता है कल्याण करने वाला। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टिचक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड और वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर इसे प्रथम वंदनीय भी माना है। यह मांगलिक चिन्ह अनादि काल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ स्वस्तिक तथा बही खाते की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा दुनिया के कई कोनों में इसका इस्तेमाल कई हजारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन असल में स्वस्तिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है? इसके पीछे ढेरों तथ्य हैं। आज हम आपको स्वस्तिक का मूल अर्थ क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सांसारिक जीवन में धन और यश कल्याणकारी हो सकता है। शरीर के लिए भोग और सुख कल्याणकारी और मंगलमय हो सकते हैं। लेकिन आत्मा के लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता है। आत्मा के लिए तो मंगलमय परमधाम है, परमात्मा है। आत्मा के लिए तो कल्याणकारी मोक्ष है, और आत्मा को मोक्ष वैकुंठ जाने के बाद मिलता है। वैकुंठ में गई हुई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, और वैकुंठ का स्थान भागवत पुराण में ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। ध्रुव तारा सप्तर्षि तारामंडल में आया हुआ है, और यह सप्तर्षि तारामंडल सबसे रहस्यमयी है। इनमें मेसिय 81 नामक सर्पिल गैलेक्सी है जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इस तारामंडल के क्षेत्र में मेसिय 82 नामक गैलेक्सी भी है जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तर्षि तारामंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्वस्तिक के बारे में बताते बताते हम गैलेक्सी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन स्वस्तिक का रहस्य इस तारामंडल में ही छिपा हुआ है, और यह सप्तर्षि तारामंडल और पोल स्टार या ध्रुव तारा दिशा निर्देश के लिए प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रात्रि के समय में यदि आप दिशाएं भूल गए हैं और भटक गए हैं तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसी तरह अगर आप इस भवसागर में भटक गए हैं और उस मंगलकारी और सौभाग्यकारी वैकुंठ का पता लगाना है तो भी आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा। और वैकुंठ के इस स्थान पर होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को तो था ही, साथ में इजिप्ट वासियों को भी मोक्ष प्राप्ति के इस स्थान का सही से ज्ञान था। और इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिरामिड को क्यों बनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि पिरामिड बनाने का मुख्य कारण था मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला स्थान है ध्रुव तारे की ओर बैकुंठ। और आप पिरामिड की संरचना को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किंग चेंबर में से एक शाफ्ट 30 डिग्री एंगल से इस तरह से निकलती है जो सीधे ध्रुव तारे की ओर परफेक्टली जुड़ती है। इस शाफ्ट को बनाने का मकसद था किंग की आत्मा को सीधे परमधाम में मोक्ष मिल सके। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन जेरेमी नेडलर नाम के इजिप्शियन विशेषज्ञ ने भी अपनी किताब शामैनिक विजडम इन द पिरामिड टेक्स्ट में इसे विस्तार पूर्वक समझाया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में ध्रुव तारा
और सप्तर्षि तारामंडल कितना महत्वपूर्ण था। अब आकाश में मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलकारी और सौभाग्यकारी स्थान का पता लगाने के लिए आपको सप्तर्षि तारामंडल और ध्रुव तारे को ढूंढना होगा, और सप्तर्षि तारामंडल को कोई भी आसानी से ढूंढ सकता है। सप्तर्षि तारामंडल 7 तारों का समूह है, और उसके पहले 2 तारों की सीध में देखेंगे तो आपको सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा, और यह सप्तर्षि तारामंडल वर्ष में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। वसंत ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। शीतकाल में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पूर्व की ओर दिखाई देता है। शरद ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखाई देता है, और ग्रीष्म ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। अब आप देखेंगे कि यह जो आकृति बन रही है वह स्वस्तिक की बन रही है। अब आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि स्वस्तिक की 4 भुजाओं को क्यों 4 दिशाओं का रूप माना गया है, और स्वस्तिक के केंद्र को क्यों विष्णु का स्थान बताया जाता है। प्राचीन काल में प्रतीकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था, यहाँ तक कि प्राचीन काल की भाषा लिपि भी प्रतीकों से बनी हुई है, और आकाशीय नक्षत्र को भी कोई ना कोई वस्तु का प्रतीक माना गया है। इसी तरह स्वस्तिक भी मोक्ष प्रदान करने वाले बैकुंठ का प्रतीक है। भगवान विष्णु और बैकुंठ का प्रतीक होने के कारण स्वस्तिक को परम मंगलकारी और सौभाग्यकारी माना जाता है। अब हम आपको स्वस्तिक के बारे में अन्य कई प्रकार की व्याख्याएं की गई है इसके बारे में बताते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक हैं। कुछ यह भी मानते हैं कि यह 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं। इसके अलावा इन 4 रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यदि स्वस्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान माना गया है, फलस्वरूप मध्य में मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती हैं, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक, हिंदू धर्म के अलावा स्वस्तिक का और भी कई धर्मों में महत्व है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। यह भगवान बुद्ध के पग चिन्हों को दिखाता है, इसलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। यही नहीं, स्वस्तिक भगवान बुद्ध के हृदय, हथेली और पैरों में भी अंकित है। जैन धर्म में स्वस्तिक, वैसे तो हिंदू धर्म में ही स्वस्तिक के प्रयोग को सबसे उच्च माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म के जैसा ही महत्व स्वस्तिक का जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में यह 7वें जिन का प्रतीक है, जिसे सब तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। श्वेतांबर जैनी स्वस्तिक को अष्ट मंगल का मुख्य प्रतीक मानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी मिले हैं स्वस्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वस्तिक का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। विभिन्न देशों में स्वस्तिक, स्वस्तिक को नेपाल में हेरम्ब, मिस्र में एक्टोन तथा बर्मा में महापियेने के नाम से पूजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मावरी आदिवासी भी स्वस्तिक को मंगल प्रतीक के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताना।